वफाकी दारुल हुकूमत के इंटर सिटी ट्रेवल करने वाले मुसाफिर खुश हो जाएं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तौसी के प्रोजेक्ट मैनेजर्स के मुताबिक कोरंग नाला पुल से PWD इंटरचेंज तक 4 किलोमीटर का हिस्सा अप्रैल या मई 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा। 150 मीटर के पुल में 33 ग्रिडर्स हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कहा कि इस पुल को नस्ब करना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इसके घाट 30 मीटर ऊंचे हैं। क्रेन रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए 50 मीटर लंबे और 170 टन के ग्रिडर्स को एक क्रेन से नहीं उठाया जा सकता। इन ग्रिडर्स में से एक को बिछाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, जिन्हें एक अलग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उठाया, खींचा और घाटों पर रखा जाता है। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे पुल का 35 मीटर लंबा मशरकी हिस्सा 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। वेस्ट साइड पुल की तामीर में 5 से 6 माह लगेंगे क्योंकि 1960 की दहाई के पुल को पहले गिराना था। CDA के डायरेक्टर ताल्लुकात आम्मा आसिफ अली का कहना है कि इस स्ट्रेच की तामीर ठीक चल रही है और PWD से टी चौक तक मजदूरों की बड़ी खेप ये काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल कर रही है। स्टार न्यूज, बड़ा प्रॉपर्टी न्यूज नेटवर्क। स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।